मैं आपको अपने इस पूरे घर का नाम विजिट करवाता हूँ। तो ये इसका फ्रेंड है, ये खुल जाता है। खाना वाना खाएं, चाय शाय पिए या इंजॉयमेंट के लिए, तो ये बाहर का पूरा जो है ना वो सीन, और यहाँ पे ये मैं हूँ, आपको मैं घर दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूं फिट होंगे। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों को जिस घर में मैं रुका हुआ रह रहा हूं वर्जीनिया में, लीजबर्ग का ये इलाका है, तो मैं यहां पे आज घर का आपको विजिट कराऊँ, देखें कि ये घर कैसा बना हुआ है। तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये घर कैसा बना हुआ है और कैसे इसको वेल डेकोरेट किया गया है। हर चीज़ बड़े तरीके से, सलीके से और बड़े अच्छे तरीके से मेनटेन की गई है और अच्छी रखी गई है। तो मैं आपको अपने इस पूरे घर का नाम विजिट करवाता हूँ, तो आप मेरे साथ आएँ, आपको विजिट करता हूँ। ये घर से बाहर का जो है ना ऐसे है, ये यहाँ पे ना सारे घर ऐसे बने हुए हैं। थ्रू रोड आप देखें यहाँ से इधर को, तो ये सारे घर बने हुए हैं। ये घर है जहाँ पे मैं वर्जीनिया में आके अभी रह रहा हूँ। ये थ्री स्टोरी होता है और इसमें बैक साइड में ना गैराज होता है, गाड़ियों का गैराज। एक ऊपर पोर्शन, एक सेकेंड और एक थर्ड में, यहाँ पर नीचे एक बेडरूम है। तो ये इसका फ्रेंड है। तो ये देखें सारे घर यहाँ पे ना इस तरह बने हुए हैं। और ये फ्रंट पे जो है मेन रोड है, ये इसका फ्रंट है। और ये सामने पूरा वो, अब हम करके अंदर चलते हैं। देखो पौधे लगे हुए भाई, ये हम घर के अंदर आ गए। ये नीचे एक बेडरूम है, ये नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा। एक बेड होता है और उस साइड में एक गैराज होता है गाड़ियों का। ये इसके एंट्रेंस है भाई, से तो यहाँ से ये सीढ़ी जाती है। और ये देखें फिर यहाँ से जो गैराज की तरफ रास्ता निकलता है, यहीं से नीचे निकलता है। ये यहाँ पे एक स्टोर रूम बना होता है जहाँ पे कोई चीज़ें अपनी रखी होती हैं, जैसे कोई स्टोर रूम जिसे हम बोलते हैं। ये वहाँ की होल्डर, और यहाँ से हम जाते हैं गैराज की तरफ। और ये देखें ये गैराज है, गैराज इस तरह के होते हैं। यहाँ पर गैराज में एक डिफ्यूज़र रखी हुई है, यहाँ दो गाड़ियों की जो है ना पार्किंग हो जाती है। यहाँ पे ये होता है जहाँ पे जो सारा इनका जो लगा होता है ना सिस्टम, घर पूरे घर को कूल इन हीटिंग करने के लिए उनका सिस्टम लगा हुआ है सारा। और साथ में ये पूरा ये गेट है जो कि इसको बटन को दबाने से ऑटो खुलता है, ये खुल जाता है। इसको ओपन करते हैं, ये वैसे मोबाइल से भी खुल जाता है, मोबाइल ऐप से ये देखिए खुल जाता है। यहाँ पे डस्टबिनें पड़ी होती हैं, घर का सारा कचरा इसके अंदर डालना होता है और वो हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं तो वो फिर उठा के ले जाते हैं, निकाल के ले जाते हैं इसमें से। तो यहाँ के जो गैस मीटर हैं वो इस तरह इंस्टॉल हुए हैं। ये इनका जो कूलिंग सिस्टम है वो ऐसे बाहर रखा होता है, ये बाहर का। अब हम आते हैं इसकी बैक से, इसको देखते हैं। ये इसकी बैक साइड है, इसी तरह सारे घर यहाँ पर ऐसे बने हैं। ये इन सब घरों की ना बैक साइड है जहाँ पर गैराज साइड होती है। गाड़ी पर आए, गाड़ी अंदर खड़े हैं और सीधे अंदर चले जाएँ। ये भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, नए घर बन रहे हैं सारे एक जैसे। और ये इनके जो वापदा के जो जैसे वापदा से हम बोलते हैं बिजली के मीटर जो होते हैं वो इस तरह इंस्टॉल हुए होते हैं। इस तरह गाड़ियाँ दो अंदर आ जाती हैं, दो बाहर आ जाती हैं। तो ये सारा गैराज आपको मैंने दिखा दिया। और यहाँ से इसको बंद करेंगे तो ये ऑफ हो जाए ऑटो। गाड़ी में बैठ के हम उसको खोल सकते हैं, गाड़ी जब लेके आते हैं तो गाड़ी में आएँ और अपना उसको वहीं से जो ऐप है उसको ओके करें और ये खुल जाता है। चले जी अब हम चलेंगे ऊपर, ये मंदिर दाखिल हुआ और ये इसी तरह पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे। ये यहाँ पे वो लगा होता है सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे सिक्योरिटी मतलब कि भी कोई आग वगैरह का जैसे फायर अलार्म वो लगे हुए। ये यहाँ पे छतों के अंदर ही होते हैं हीटिंग एंड कूलिंग के जो लगे होते हैं सारे, इसी में से सारी जो है ना पूरा घर जो है ना ठंडा और गर्म मौसम के हिसाब से। ये एक बेडरूम है, ये चूँकि अभी बंद है, लॉक हुआ हुआ है। नीचे एक बेडरूम है और फिर गैराज और फिर ये ऊपर की जाने। ले जी यहाँ से अब चलते हैं ऊपर की जाने। ये इसका फर्स्ट फ्लोर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अंदर एंटर हुए, ये एंट्रेंस पे देखें एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जो है ना वो लगी हुई है पिक्चर, वो मतलब सीनरी लगी हुई है। ये देखें ये यहाँ पे जो है ना सिटिंग एरिया पूरा,
ये ड्राइंग रूम है और यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसको मेंटेन किया गया। सामने को लगा हुआ है फायरप्लेस, टेबल एंड टेबल लैम्प ऐसा पूरा, और ये सोफ़ा सेट जो बड़े अच्छे तरीके से इसको जोड़ा गया, कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, वो नीचे रग भी बिछाया गया, ठीक है। ये इसका एक बाहर वाला एरिया जहाँ पे वो मतलब हम इसको वो कहेंगे जैसे बालकोनी कहते हैं, यहाँ पे सिटिंग एरिया पूरा, जब थोड़ा मौसम बेहतर होता है तो बाहर बैठते हैं, खाना वाना खाएँ, चाय शाय पिए या इन्जॉयमेंट के लिए। यहाँ पे एक झूला भी रखा हुआ है जिसे बैठ के बाहर का नज़ारा करते हैं। तो ऑल ओवर सारे घरों में बाहर देखें आप यहाँ पे। अब चलते हैं हम अंदर की तरफ, तो ये देखें ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना पौधा यहाँ पे साइड पे, बड़ा पौधा जो है ना वो आर्टिफिशियल है लेकिन ये इतना साइज़ का कि छत के साथ लगा हुआ है। ये देखें कितनी प्यारी जो है ना सीनरी लगी हुई है। कलर कम्बिनेशन का आप बताएं कैसे ज़बरदस्त कलर कलर कम्बिनेशन हुई है, बेहतरीन तरीके से कलर कम्बिनेशन किया गया। और ये देखें ये जो डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लाइट वाला सोफ़ा के ऊपर जो कम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं ना, जो कुशन है इनका कैसा अच्छा कम्बिनेशन किया गया पूरी मैचिंग के साथ। ये यहाँ पर ये एग्जास्ट होता है और ये जो और इनके जो हमारे जो कूलिंग और हीटिंग के लिए होते हैं ना वो सारे इधर ही होते हैं, इनके अंडरग्राउंड सारे यहाँ से कूलिंग और हीटिंग आ रही होती है मौसम के हिसाब से। ये अब आ गया बीच में ओपन किचन, ठीक है। ये हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं ओपन किचन इस तरह के बने होते हैं, और यहाँ पे भी ओपन किचन है। सामने ये लगा हुआ है अवन और नीचे लगा हुआ है बेकर, ये इनके अंदर बिल्कुल वैसे ही है। कलरिंग और सेटिंग ये देखें, फ्लावर और साथ में एक बड़ी अच्छी वो ना बास्केट में ना कप वगैरह और ये जुड़े हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर आ गई फ्रिज, इसमें से आइस भी निकलती है भाई, डायरेक्ट निकाल लें। ये किचन है, यहाँ पे किचन जो ओपन है और ये यहाँ पे किचन का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है और पूरा बोरा अच्छे तरीके से। वो साथ में ये चेयर देखें, वाइट कलर की चेयर और की इसके साथ मैचिंग देखें कैसी है, ये देखें मैचिंग कैसी ज़बरदस्त मैचिंग की हुई है उन्होंने। कॉमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको घर कैसा लगा। और ये आ गई डाइनिंग टेबल, ठीक है। इसकी कलरिंग देखें, ये देखें जैसे वो कलरिंग उधर सोफ़ा की है ना कलरिंग मैचिंग, और यहाँ पर देखें कि ये इसकी मैचिंग कैसे की गई है, और परफेक्ट शैंडले और ये कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको ना रखा गया। और कैसी ज़बरदस्त वो खिड़कियाँ, खिड़कियों के आगे वो छोटे छोटे पौधे रखे हैं और सामने लाइट आती है इनको उठा लें तो ये देखें ये कितना ज़बरदस्त एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है गोल्डन कलर में। और नुकर में जो पड़ा हुआ है वो कॉर्नर में जो पड़ा हुआ है वो है कॉर्नर लैम्प, और नीचे ये फिर एक टेबल है इसके ऊपर वो साइड पर कोई भी आप रख सकते हैं खाना वगैरह लगा कर यहाँ से, और यहाँ से उठा कर यहाँ पर खाएँ। पाउडर रूम में का भी आपको थोड़ा विज़िट करवा दूँ कि यहाँ पे पाउडर रूम कैसे होते हैं, ये देखें बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पाउडर रूम बना हुआ है। उसके अंदर भी एक फ्लावर रखा हुआ है, कैसा डेकोरेशन भी रखा हुआ है, साथ में वो टिश्यू रोल होता है और ये पीछे भी एक फ्लावर का जो बॉक्स रखा हुआ है। ये खिड़की होती है इसे आप बाहर देख सकते हैं और बाहर बड़ी अच्छी व्यू होता है, ये आप देखें कि बाहर से सारा कुछ नज़र आता है। यहाँ पर भी हीटिंग का सिस्टम लगा हुआ, एग्जॉस्ट फैन और हीटिंग का सिस्टम, तो ये बाथरूमों के अंदर भी कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम होता है यहाँ पर। इसी तरह अब ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये ऊपर जाते हैं। यहाँ पे भी एक कॉर्नर में एक लैंप पड़ा हुआ है और ये मिरर और ये मैं हूँ। यहाँ से जा जाता है ये ऊपर की तरफ, जब जाते हैं तो हमें यहाँ मिलता है एक अदर लॉबी, ये लॉबी है। इस लॉबी के इस साइड में एक बड़ा बेडरूम है, ये बेडरूम है डबल बेडरूम, इसका ब्लैक कम्बिनेशन बहुत अच्छा किया गया है। कॉर्नर में भी एक टेबल लैंप रखा गया है, साइडों में टेबल लैंप और कॉर्नर लैंप है, ठीक है। और ये ब्लैक कम्बिनेशन बहुत अच्छा किया गया इसका। और सामने ये एक बड़ी जो है ना वो LCD लगी हुई है। और इस तरह यहाँ देखें तो ये अंदर में एंट्रेंस हुआ, और यहाँ से आप देखें कि ये जो रूम होता है ये स्टोर रूम है, ये मतलब वेयर के लिए होता है सारा एक साइड में। और फिर यहाँ के जो इस कमरे का जो मेन बाथरूम है बड़ा वो ये है, ये इस कमरे का बड़ा वाशरूम है, ये डबल बना हुआ है। इसके भी बाहर साइड में खिड़की है ऊपर, और वहाँ से आप बाहर की रोशनी ले सकते हैं या बाहर देख सकते हैं। तो ये वाशरूम देखें आप, वाशरूम में भी एग्जॉस्ट फैन और हीटिंग का पूरा निज़ाम, हीटिंग हीटर इसका यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे कूलिंग और हीटिंग का सारा निज़ाम है। तो ये देखें ये वाशरूम पूरा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, ये देखें ये लॉबी की तरफ आ गए। लॉबी से हम जनाब लॉबी में क्या है कि लॉबी से पहले आएगा वॉशिंग एरिया, ये यहाँ पे वॉशिंग एरिया है।
ये वॉशिंग मशीन है, ये कपड़े धोने वाली है, इसके लिए जब धुल जाएं तो फिर दूसरे में डालना होता है, ये कपड़े सुखाने वाली है, ठीक है। इधर से निकाल कपड़े इधर डाल देते होते हैं, यहाँ पे वो बाहर टांगने वाला वायर के ऊपर तार के ऊपर कोई चीज़ ऐसी बाहर सुखाना ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे कपड़े इसी तरह ही धोकर यहाँ पे डालेंगे, सूख जाएँ, सुखा लें और निकालें और उसको आयरन करें और बस यूज़ करें। ये यहाँ पे बनाया हुआ है वॉशिंग एरिया, इसके अंदर बकायदा लाइट भी लगाई हुई है, पूरा रखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, ये देखें वो टब है इसका नहाने के लिए, सारा पूरा सिस्टम यहाँ पे जैसे होता है, ऊपर शावर लगा हुआ है और टब शब ऐसे, यहाँ पे वेट मशीन भी रखी होती है ताकि आप अपना वजन करें ना, कहीं नहा कर कम ना हो गया हो। यहाँ पे भी हीटिंग का पूरा जो निज़ाम है वो ये है, हीटिंग एंड कूलिंग। देखा जी आपने, वाशरूम भी देख लिया आपने। इसके बाद चलते हैं जनाब आगे, ये एक स्टडी रूम है, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम है, ये स्टडी रूम है, यहाँ से बड़े अच्छे ये देखें, ये कैसे ज़बरदस्त जो है ना वो कर्टन लगाए गए, ऊपर फ़ैन है और फ़ैन के साथ लाइट भी है, ये देखें कितनी प्यारी सीढ़ी लगी हुई है। स्टडी रूम कह लें, बच्चों के लिए कह लें, या कोई भी बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकता है और पूरा वो ना। और यहाँ पे भी देखें उन्होंने पूरा एग्जॉस्ट फैन भी रखा हुआ है और हीटिंग एंड कूलिंग का निज़ाम यहाँ पर है। और यहाँ पर आप इसको बाहर देखना चाहें बैठ कर, तो इसको ऐसे ऊपर उठाएँ तो ये बाहर का पूरा जो है ना वो सीन, इसको इसी तरह नीचे कर दें और ये कर्टन जो है ना इस तरह। और इसके बाद इस कमरे के साथ आ जाता है दूसरा रूम जो कि वॉशरूम के साथ बिल्कुल साथ है, और ये है ये बच्चों के लिए बेबी रूम, यानी कोई भी इधर रह सकता है और सो सकता है, क्योंकि वैसे फ़िलहाल तो उन्होंने बेबी के लिए रूम बनाया हुआ है, इतनी प्यारी। और ये वहाँ पे ये वेयर होती हैं, यहाँ पे जो क्लोथिंग ड्रॉवर होती है हमारे, जो जैसे हम कपड़े रखते हैं उसमें इस्त्री करके, तो ये सारा है, नीचे कारपेटेड है। और यहाँ पे भी हीटिंग एंड कूलिंग का पूरा सिस्टम है, और ये आप देखें कि ये पूरा एक बड़ा अच्छा व्यू है। और ये एक छोटा सा बना हुआ है एक ऊपर का स्टोर, ये स्टोर होता है, और यहाँ पर ये मैं हूँ और ये आपको मैं घर दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब घर था, अब हम चलते हैं नीचे की जानिब, और अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे की जानिब। देखा आपने पूरा घर, मैंने आपको हर जगह दिखाई कि बाहर का एरिया, नीचे का एरिया, उसके अलावा गैराज और अपर पोर्शन, सेकंड पोर्शन, नीचे वाला जो एरिया था, बाहर वाला इस बैक साइड दिखाई जहाँ पे गैराज है, और फ्रंट साइड दिखाई जहाँ पे वो सारे घर। और ये सारे घर तकरीबन आलमोस्ट एक ही तरह के बने हुए हैं, 19-20 का फ़र्क होगा। तो अगर आपको घर अच्छा लगा हो, खूबसूरत लगा हो, उसकी डेकोरेशन अच्छी हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे डॉक्टर फैसल को जान लीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।